नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है प्रिय दर्शकों, फॉर ऑल जोडियक साइंस। तो रीडिंग में जाने से पहले प्रिय दर्शकों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पेज को फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके, ताकि पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज और फ्लो हो सके। ऑलराइट प्रिय दर्शकों, डिवाइन टैरो डेक आपको बोलेंगे, जो भी व्यूअर्स अभी मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो डिवाइन टैरो डेक आपको गाइड कर सकते हैं आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग, और आपको ये बोल सकते हैं कि आपको आखिर क्या स्टेप या क्या डिसीजन लेना चाहिए अपनी लव रिलेशनशिप में। तो आपके जो पर्सन है, या चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, एनर्जीज, इंटेंशंस आपके लिए क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो चलिए डिवाइन टैरो डेक से पूछ लेते हैं। डियर टैरो डेक, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स, गाइड द कलेक्टिव, टेल देम अबाउट द करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन ऑफ देयर स्पेशल पर्सन। आमीन। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं। ये फर्स्ट कार्ड है, ये सेकंड कार्ड है, ये थर्ड कार्ड है, ये फोर्थ कार्ड है, फिफ्थ कार्ड, सिक्स्थ कार्ड, सेवेंथ कार्ड। ऑलराइट, तो प्रिय दर्शकों, हमें कार्ड्स मिल चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं टैरो डेक आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जो फर्स्ट कार्ड है, ये रीडिंग मुझे बहुत ही टैरो स्प्रेड से मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं। पहला कार्ड गौर कीजिएगा प्रिय दर्शकों, ये हर्मिट कार्ड है, ये रिवर्स आया है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। तो आपके जो पर्सन है, वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते थे, पास्ट में भी ऐसा ही था कि वो आपके लिए हमेशा एक कनेक्शन फील करते थे और आपके साथ वो समय बिताना चाहते थे, आपकी कंपनी उनको बहुत पसंद है। प्रिय दर्शकों, जब उन्होंने आपको देखा था, मे बी जब आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो शायद उसी समय से कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा था कि आपके साथ वो एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और आपसे दोस्ती करना चाहते थे, और डेफिनेटली आपकी कंपनी वो चाहते थे। तो आपको देखते ही एक अजीब सा कनेक्शन उन्हें फील हुआ होगा। ऑलराइट, तो प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन है ये कार्ड, प्रिय दर्शकों आप देख रहे हैं, पेज ऑफ कप्स। इमोशनली वो आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं और आप दोनों इमोशनली कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक पॉजिटिव चेंज के बारे में सोच रहे हैं। वो आप दोनों के रिश्ते को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के जीवन में एक पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आ सके, आप दोनों में एक रिश्ता बन सके, ऐसा वो ज़रूर चाहते हैं। और आप दोनों एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, और डेफिनेटली वो ये भी चाहते होंगे कि वो आपको खुश कर सके, खुश रख सके, और आपकी जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उन्हें पूरा कर सके। प्रिय दर्शकों, ये जो कार्ड है, ये वांड्स का कार्ड है, ये कार्ड पॉजिटिव होता है। आपके जो पर्सन है, एक्चुअली कहीं ना कहीं वो
इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि क्या वो अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर काम का भी बहुत प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर। उस प्रेशर से कभी कभी बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या वो आपके साथ ठीक कर रहे हैं, क्या वो आपको समय, क्या उन्हें आपको ज़्यादा समय देना चाहिए। तो वो आपको ज़्यादा समय देना चाहते हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी काम के प्रेशर की वजह से या जिम्मेदारियों का उन पर कोई बोझ हो सकता है, जिसकी वजह से वो समय निकालना शायद उनके लिए मुश्किल होता होगा। और इस बात को लेकर वो चिंतित हैं, वो सोचते हैं कि किस तरह से वो आपको और ज़्यादा खुश रख सके इस रिश्ते में। प्रिय दर्शकों, अब फोर्थ कार्ड देख लेते हैं। ये भी वांड्स कार्ड है। वांड्स एनर्जी एक फायर एनर्जी होती है। प्रिय दर्शकों, इस एनर्जी का रिफ्लेक्शन या इस एनर्जी को अगर बार बार हम रीडिंग में पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है उनके मन में आपके लिए डिज़ायर है, पैशन है, एक चाह है आपसे जुड़ने की, एक तीव्र इच्छा है आपसे मिलने की, आपके साथ समय बिताने की। वो बहुत रोमांटिक हैं एक्चुअली। कभी कभी वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, काम का प्रेशर, समय का अभाव, लेकिन उनके मन में आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव इंटेंशंस हैं, और बहुत आई कैन सी कि उनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। ऑलराइट, ओके। तो एक्चुअली ये जो आपके पर्सन हैं, ये उनकी जो एग्जैक्ट करंट सिचुएशन है ये कार्ड वो दर्शाता है। तो वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है उन्हें, जो भी उनकी उनका काम है, जो भी वर्क प्रेशर है उससे बाहर आने में उन्हें थोड़ा वक्त लग सकता है। बट कुछ समय बाद वो ज़रूर आपसे आपको अपना समय देने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली वो इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में वो यही चाहेंगे कि आपके साथ वो खुश रह सके, आगे बढ़ सके। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है उन्हें पूरी तरह इस रिलेशनशिप में अपने आप को पूरी तरह इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करने में उन्हें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं फिफ्थ कार्ड। ये कार्ड रिवर्स आया है, मैजिशियन। इसका मतलब है कि आपके जो पर्सन हैं उनके आसपास का जो माहौल है, उनके आसपास जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनको डिस्करेज करते हैं। कोई तो होगा उनके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में जो उन्हें शायद डीमोटिवेट करते हैं, उन्हें ये बोलते रहते होंगे कि उन्हें अपने काम पे, जिम्मेदारियों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और प्यार के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो कोई तो है जो उन्हें डीमोटिवेट करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए वो शायद उनके क्लोज़ फैमिली में ही कोई होगा, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी, मुझे काम करना है, मुझे मेरे कुछ करियर में, प्रोफेशन में टारगेट्स है, मुझे और पैसा कमाना होगा। शायद ऐसा सोचते होंगे क्योंकि जिम्मेदारियों से मैं पीछे नहीं हट सकता या सकती हूँ, तो ऐसा वो सोचेंगे। और लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट कर पाए, ऐसा वो ज़रूर चाहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन बहुत ही पॉजिटिव होगा। प्रिय दर्शकों, सिक्स ऑफ कप्स ये रिलेशनशिप के लिए
बहुत पॉजिटिव कार्ड माना गया है, तो वो जी जान से कोशिश करेंगे कि आपसे वो जुड़ सकें, इस रिलेशनशिप में वो आपके साथ खुश रह सकें, आपको भी खुशियाँ दे सकें, ऐसा वो ज़रूर चाहेंगे। और इमोशनली वो आपके साथ बहुत अटैच्ड है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो यही वो करना चाहते हैं। ओके, ऑलराइट। तो प्रिय दर्शकों, फाइनली जब वो ये एक्शन, ये कोर्स ऑफ एक्शन है जो वो, ये उनका नेक्स्ट एक्शन जो वो करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो वो ये करना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स उनके सामने आ सकते हैं। शायद इस रिश्ते में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े बहुत, आपको तो कभी कभी लगता है कि ये पर्सन जो है, जितनी अटेंशन आपको इनसे मिलनी चाहिए थी, उतनी अटेंशन आपको इनसे नहीं मिलती, तो शायद आप कभी कभी इनसे नाराज़ हो सकते हैं। तो आपसे उनको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो कभी कभी शायद इनको नहीं मिलने वाला, कुछ ऑब्स्टिकल्स इनके रास्ते में, कुछ बाधाएं आ सकते हैं। लेकिन हम इस पॉजिटिव कार्ड पे फोकस करेंगे प्रिय दर्शकों। अगर आपको सपोर्ट करना चाहिए उनको, तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इमोशनली मॉरली इनको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इनके जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, इंटेंशंस, वो आपके लिए पॉजिटिव हैं और वो सच में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ एक सक्सेसफुल लव रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, ऑलराइट। तो प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं कि डिवाइन ओरेकल डेक आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के लिए। डियर ओरेकल डेक, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स, प्रोवाइड देम विद डिवाइन गाइडेंस इन लव। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द कलेक्टिव? ओके, तो ये मैसेज है ओरेकल डेक की ओर से। ऑलराइट, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आप ये मैसेज देख पा रहे हैं, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मतलब सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं होता है। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होने वाला है, सब कुछ प्रीडेस्टिन नहीं है। हम अपने कर्मों से भी बहुत कुछ बदल सकते हैं, बदलने की क्षमता रखते हैं। ओके, तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जो आपकी इंट्यूशन है उसे यूज़ कीजिए, अपनी पूर्वाभास की शक्ति के बल पर आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए और ये डिसाइड कीजिए शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये डिसाइड आपको करना होगा कि आप इस पर्सन के साथ किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो होता है, भविष्य, वो फ्री विल और डेस्टिनी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फ्यूचर फ्री विल भी होता है, हमारी इच्छा, हमारे कर्म, वो भी बहुत महत्व रखते हैं और वो भी हमारे भविष्य को बनाते हैं और हमारे भविष्य का निर्माण में हमारी इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। ठीक है, तो प्रिय दर्शकों, डिवाइन ओरेकल डेक आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन से काम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप सही फैसला ले सकें। वैसे ये जो पर्सन है, ये भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं और उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो करंट एनर्जीज हैं, वो क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते में, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो अभी आप डेफिनेटली अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। और प्रिय दर्शकों, जाते जाते बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमेशा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए आपके मन में दया,
सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, तो परमात्मा जो है वो हमेशा आपकी मदद करेंगे और आपको हर प्रॉब्लम से, हर दुविधा, हर कंफ्यूजन से वो आपको बाहर निकालेंगे। ऑलराइट, और प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी व्यूअर्स मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ सेशन के बाद, सेशन के दौरान। लेकिन जो व्यूअर्स मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली प्रे करती हूँ। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।